हाँ जी, तो अगर आप लोग DSU में एडमिशन लेना चाहते हो तो इस वीडियो में हम लोग DSU की लेटेस्ट अपडेट डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट हो गए होगे तो उसकी भी अपडेट डिस्कस करेंगे, एंड अगर आप लोग फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट नहीं हुए तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, अगर आप लोग फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट हो गए होगे तो आप लोग को अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन आया होगा, मैंने बताई थी, एंड जो आप लोग की फीस पेमेंट की लिंक है वो भी आ गई होगी। आप लोग अपने पोर्टल पर वहाँ से फीस पेमेंट वगैरह कर सकते हो। उसके बाद कुछ बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे कि फीस पेमेंट की लास्ट डेट क्या है, तो अभी तक वो लास्ट डेट इन्होंने रिलीज नहीं करी, क्योंकि आप लोगों को पता है जो इन लोगों की पुरानी शेड्यूल थी वो अब चेंज हो गई है, तो अभी न्यू शेड्यूल इनकी नहीं आई है, तो जो लास्ट डेट है वो इन्होंने अभी तक रिलीज नहीं करी है। तो अगर आप लोग को सीट वगैरह अलॉट हो गई है एंड फीस पेमेंट की लिंक आ गई है, तो आप लोग जल्दी से अपनी फीस पेमेंट वगैरह करके अपनी सीट कन्फर्म करवा सकते हो, एंड उसके बाद आप लोग को फ्रीज करना होगा। तो जो आपकी फ्रीज की ऑप्शन होगी वो भी आप लोग को जल्द आ जाएगी, अभी कुछ बच्चे की अर्निंग स्टार्ट हो गई है, एंड अगर आप लोग को सीट वगैरह अलॉट हुई है तो आप लोगों को भी फ्रीज की ऑप्शन आ जाएगी, तो आप लोग फ्रीज कर सकते हो। अगर आप लोग अपने कोर्स एंड कॉलेज से सेटिस्फाई हो, उसे अपग्रेड नहीं करवाना चाहते, तो आप लोग यहीं पे फ्रीज कर सकते हो एंड अपनी सीट कंफर्म करवा सकते हो DSU में। एंड उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें कि जो भी कैंडिडेट को अभी तक सीट वगैरह अलॉट नहीं हुई है, तो उन सबको सेकेंड मेरिट लिस्ट का वेट करना है, एंड इनकी जो न्यू शेड्यूल है ये अभी तक इन्होंने रिलीज नहीं करी है, तो जब इनकी न्यू शेड्यूल आएगी तो उसमें फिर से ये बताएंगे कि कब आपकी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी एंड कब उनकी सेकेंड सीट अलॉटमेंट स्टार्ट होगी। तो उसके रिलेटेड तो इन्होंने अभी तक कोई अपडेट नहीं डाला है, तो मे बी 1-2 दिनों में न्यू शेड्यूल भी रिलीज कर देंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग जो आपकी सेकेंड राउंड होगी वो स्टार्ट होगी। एंड अभी फर्स्ट राउंड में जो भी स्टूडेंट सीट कन्फर्म करा लेंगे तो उनकी सीट कन्फर्म हो जाएगी, एंड जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं कन्फर्म कराएंगे, अगर वो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते तो फिर उनकी सीट कैंसिल हो जाएगी, वो वाली जो उन्हें ऑलरेडी मिल चुकी थी, फिर वो सेकेंड राउंड में प्रिफ्रेंस फिलिंग आप सबकी होगी। जो भी स्टूडेंट सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे सबको फिर से कोर्स की प्रिफ्रेंस फिलअप करनी होगी, आप लोग अपनी प्रिफरेंस वगैरह फिल करोगे, एंड देन उसके बाद फिर आपकी सेकेंड राउंड की अलॉटमेंट की रिजल्ट आउट होगी, तो आप लोग उसका वेट कर सकते हो। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, कोई इसके रिगार्डिंग डाउट है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, एंड DSU की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।